हेलो एवरीवन दिस इज विनोद टुडे आई विल डिस्कस सीबीएसई बोर्ड पेपर 2020 इट वाज हेल्ड ऑन 12 मार्च और ये जो सेट है आपका सेट नंबर वन है बच्चे यहाँ पर आपका मेंशन किया हुआ है और ये जो है सेट का कोड दिया हुआ है ये मैथ्स का जो पेपर हुआ था ये मैथ्स उन स्टूडेंट का है जो मैथ्स में बेसिक मैथ रखा था उनके लिए उनका पेपर है इसके अलावा मैं एक स्टैंडर्ड जो पेपर हुआ था मैथ्स का ये 2020 में उनका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और अभी हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं फिर स्टैंडर्ड का भी मैं सॉल्व करके इस पर अपलोड करूँगा तो बच्चे आप जो है आपके इसी टाइप के जो क्वेश्चन जिसमें बोर्ड में पूछे गए हैं इन्हीं टाइप के क्वेश्चन 2021 में 2021 में जो पेपर होने वाला है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए और अच्छा मार्क्स आप ऑप्टेंड कर पाएंगे जब अगर इस पैटर्न को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी तैयारी को बुस्ट अप करते हैं तो तो बच्चे टोटल जो है इसमें थ्री आवर्स का टाइम अलॉट किया गया था 80 मार्क्स का क्वेश्चन था और 20 मार्क्स जो इंटरनल और 80 जो है एक्सटर्नल जो कि बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किया है इसमें टोटल जो है क्वेश्चन जो है आपके फोर्टी क्वेश्चन है और उसको चार सेक्शन में बांटा गया है तो सेक्शन ए देख रहे बच्चे टोटल सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी और सेक्शन डी सेक्शन ए के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर वन से लेकर ट्वेंटी तक है उसमें टेन क्वेश्चन आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का वन मार्क्स का है और टेन क्वेश्चन जो है उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स है और साथ साथ उस पर लास्ट में जो है उसको फिल को आप भरनी आपको फिल करनी है ठीक है बच्चे फिल इन हिंदी ब्लैंक्स पर बेस्ड है टेन क्वेश्चन और टेन क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप का है जिसमें एक क्वेश्चन को आपको सही करना है तो इसमें सेक्शन ए का ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर वन से लेकर टेन तक डिस्कस कर चुके हैं उनका अगर जो भी स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नीचे लिंक दी हुई है उस लिंक पे जाइए और वहां से पार्ट वन यानी पार्ट वन का जो है आप जहाँ पे क्वेश्चन वन से लेकर के क्वेश्चन टेन तक का डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है वहां से आप जरूर देख लीजिए उसके बाद इस वीडियो में यानी क्वेश्चन नंबर हम अलेवन से लेकर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तक डिस्कस करेंगे उसके बाद पार्ट ये टू हो जाएगा इसको पार्ट थ्री में हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के बाद हम कंटिन्यू करेंगे तो बच्चे आज जो हम लोग तो डिस्कस करेंगे वो सेक्शन ए होगा और सेक्शन वन ए का क्वेश्चन नंबर टेन अलेवन से लेकर ट्वेंटी तक सारी डिस्कस करेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बेहतर कर पाए लेकिन आपको और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए आपका ठीक है बच्चे और इसी तरह से पार्ट बी पार्ट सी पार्ट सी डी तक हम सारे को कर डिस्कस करेंगे इस पेपर को ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं इसमें तो चलते नौ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर अलेवन क्वेश्चन नंबर अलेवन पे हम पहुंच रहे हैं ये देखिए सेक्शन ए है सेक्शन ए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और इसमें हम लोग टेन क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन ए का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है साथ साथ आपका पीडीएफ भी वहां पे अवेलेबल है इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी आप डाउनलोड करके खुद का कर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो अब मैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका अलेवन से स्टार्ट करता हूँ ये टेन क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर चुका था ऑलरेडी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है अलेवन है बच्चे आज यहीं से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है ट्वेंटी तक हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर अलेवन आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन क्वेश्चन नंबर टू यानी उसमें फिल करने के लिए बोल रहा है अलेवन से फिफ्टीन तक का और वन मार्क्स के सभी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर अलेवन क्या रहा है कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड अगर कोई भी लाइन सर्कल को टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका क्या मतलब उसको क्या कहते हैं हम लोग क्या बोला जाता है कॉल्ड बच्चे देखो एक सर्कल है मान लिया एक हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया सपोज करो सॉरी uh, इसको पहले इरेज करता हूं मैं मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं ये सर्कल है ठीक है तो ये सर्कल पे जो कह रहा है कि टू लाइन अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स एक लाइन है सपोज की जो इस तरह से हमने लाइन एक ड्रॉ किया ठीक है तो एक लाइन ड्रॉ किया दोनों साइड हमने एक एक एरो दे दिया तो जो लाइन इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट आपका ये हो गया ये वाला पॉइंट हो गया और सेकेंड पॉइंट आपका यहां पे हो गया तो इनका नाम क्या बोला जाता है तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड बोला जाता है क्या बोलते हैं हम लोग सेकेंड यहाँ पे जब दो लेकिन वही अगर दो एक लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है सर्कल को दो पॉइंट पे जाकर टच करता है या कट करता है या जैसे यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट को सर्कल के दो पॉइंट पे जाकर कनेक्ट करता है तो इनको हम क्या बोलते हैं इसका नाम होता है कॉर्ड इसको हम कॉर्ड बोलते हैं ठीक है बच्चे और लेकिन वही अगर एक जो है ये कॉर्ड अगर सेंटर से पास कर जाए तो इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं ये सेंटर है आपका ठीक है बच्चे और लेकिन अगर लाइन दो पॉइंट पर ना इंटरसेक्ट करके सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए अगर आप पास करे तो इसको टेंजेंट बोला जाता है आर यू अंडरस्टैंड टेंजेंट तब होता है जो सर्कल को टच करता है यानी yani एक पॉइंट पे कहीं टच करते हुए ये लाइन पास करे तो उसको टेंजेंट बोला जाता है ये टच कर रहा है सर्कल को ये किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जो सेंटर से अगर यहाँ पे यहाँ पे आपको टच करो आप मिलाओगे किसी भी लाइन को सेंटर को और जहां पे टचिंग पॉइंट को तो ये परपेंडिकुलर होगा यानी नाइनटी डिग्री का एंगल बनाएगा ठीक है बच्चे तो हमने क्या सीखा कि ये लाइन अगर टच करे तो उसका डिम क्या होगा टेंजेंट होगा अगर दो पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करता है सर्कल को तो इसको सेकेंड बोला जाता है और सर्कल के दो पॉइंट को दो पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उससे जो लाइन फॉर्मेशन होती उसको है उसको कॉर्ड बोलते हैं अगर यही कॉर्ड सेंटर से जब पास करे तो उसको डायमीटर बोलते हैं और सेंटर से सरकमफ्रेंसेस का जो को अगर कनेक्ट करने वाली लाइन को हम लोग रेडियस बोलते हैं ठीक है तो इसका ऑप्शन क्या इसका जो यहाँ पर क्या भरेंगे सेकेंड बोलेंगे जो दो एक माइनर पार्ट हो गया सेकेंड उसको डिवाइड करता है सर्कल को दो पार्ट में मेजर और माइनर पार्ट में ओके आर यू अंडरस्टैंड नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इफ टू इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोम ए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स देन द वैल्यू ऑफ ए इज बच्चे यहाँ रहा है कि टू जो है जीरोज ऑफ अ पोलिनोम जीरोज ऑफ पोलिनोम ये हुआ कि टू इन इनका एक रूट्स है यानी टू जो है टू इज जीरोज ऑफ पोलिनोम मतलब हुआ कि ए एक्स स्क् माइनस टू एक्स अगर एक्स के जगह पे ये टू अगर आप पुट करते हैं यहाँ पे एक्स है यहाँ भी एक्स है तो यहाँ पे इस एक्स के जगह पे अगर आप टू पुट करते हैं तो इनकी जो वैल्यू होगी वो जीरो आ जाएगी इसका मतलब हुआ कि टू इज द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स तो ये देन वैल्यू ऑफ ए यहां से निकालना है तो ऑबियस है कि क्या किया यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है ठीक है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है तो बच्चे तो मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर तो एक्स के जगह पे मैंने पुट कर दिया टू माइनस टू एक्स है यहाँ पे तो टू इंटू एक्स

कॉनग्रेंट या सिमिलर बहुत इंपॉर्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है स्क्वायर जानते हैं स्क्वायर क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल ठीक है ये yeah, स्क्वायर के ये जो है ऑल साइड्स क्या होते हैं बच्चे इक्वल होते हैं और ईच एंगल है 90 डिग्री ये भी स्क्वायर है ठीक है ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, है सभी एंगल कितने होता है नाइन्टी डिग्री का होता है तो दो स्क्वायर जो है एक सिमिलरिटी होती है

इज इक्वल टू क्या है आपका दिया हुआ है टू बाये थ्री दिया हुआ है ये ऑलरेडी गिवन है ठीक है तो आर वन इज इक्वल थ्री दिया हुआ है तो आपको क्या करना है इसका वॉल्यूम का रेशियो निकालना है और स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है फोर बाय थ्री पाई आर क्यू होता है स्पेयर का तो फर्स्ट स्पेयर का क्या होगा पाए आर वन यहाँ क्यू हो जाएगा यहाँ सेकेंड स्पेयर का तो मैंने यहां लिख दिया है वी वन बाय वी टू इजल टू फोर बाय थ्री पाई आर

और आर वन बाय आर टू इसका हम क्या करेंगे इसका क्यूब कर देंगे कर सकते हैं और आर वन बाय कितना है टू बाय थ्री दिया हुआ है तो टू का पावर क्या होगा थ्री हो जाएगा तो टू का पावर थ्री एट और टोटल या, वॉल्यूम का जो रेशियो होगा एट इज टू ट्वेंटी सेवन आर यू अंडरस्टैंड नो ओके कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज जीरो अगर किसी भी ट्रैंगल का एरिया पी क्यू जो है एक ट्राइंगल है उनका एरिया जीरो है देन पी क्यू आर देखो बच्चे ये एक मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ सॉरी इस तरह से थोड़ा तो टेढ़ा हो गया मान लिया जाए एक ट्राइंगल बनाया हमने A B ठीक है और C एक हमने ट्राइंगल बनाया अब इनका एरिया अगर ये जीरो होगा ये जीरो तब हो सकता है ना कि जब ये पॉइंट को हमने ये बी पला दिया ए बी पॉइंट को सॉरी ए बी सी है ए पॉइंट को बी पे ले आओ चाहे आप बी पॉइंट को ए सी पे ले आओ चाहे सी पॉइंट को ए इस पर ले आओ इस लाइन पर ले आओ ए बी पे तो इससे होगा क्या कि एरिया तभी जीरो होगा जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो जाए एक पॉइंट यहाँ हो जाए ए एक पॉइंट बी यहाँ पे हो जाए और एक पॉइंट यहाँ पे सी हो जाए तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन में जब हो जाए सॉरी यहाँ पे आप लिखिएगा एंड पॉइंट होता है यहाँ पे एंड पॉइंट पे यहाँ पे यहाँ पे आप दे दीजिए इसको सी अब जब तीन पॉइंट जब एक ही लाइन में हो जाए तभी एरिया आपका क्या होगा जीरो होगा और जब एरिया जीरो होता है और थ्री पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ जाए यानी स्ट्रेट लाइन ये है और उसी पे अगर आ गया तीनों पॉइंट तो इस इसको हम बोलते हैं कोलिनियर तो मतलब थ्री एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी जीरो होगा और या आप थ्री पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल लाई ऑन अ सेम स्टेट लाइन एक ही स्टेट लाइन पे लाई करेगा तो इसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं ठीक है, बच्चे? No, question. Question जो है 16 आपका क्या कर है बच्चे आंसर द्वेश्चन नंबर सिक्सटीन टू ट्वेंटीन से लेकर ट्वेंटी तक इसमें पांच क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है इनका आपको आंसर करनी है इन फिगर टू एक फिगर टू दिया हुआ है आप देख लीजिए इधर फिगर ये टू है आपका एक जो है ए ए बी सी एक ट्रायंगल है इसमें हाइट दी हुई है और यहाँ से एंगल दिया हुआ है ठीक है सिक्सटी डिग्री एंगल ठीक है चलिए अब नेक्स्ट करते हैं इन फिगर टू द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द टावर ए सी फ्रॉम पॉइंट बी ऑन द ग्राउंड इज सिक्सटी डिग्री इफ द हाइट ऑफ द टावर इज ट्वेंटी मीटर फाइन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फूट ऑफ द टावर बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और ट्रिगोनोमेट्री आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें हाइट एंड डिस्टेंस एक टॉपिक है वहाँ से कुछ उन्हीं एक्सरसाइज से लिया गया है बच्चे ए बी ए सी एक टावर है और ए सी एक टावर है और ये जो है यहाँ से ए, ए, बी पॉइंट से सिक्सटी डिग्री एंगल जो है टॉप बना रहा है और इसकी हाइट ट्वेंटी मीटर है तो पूछा गया है कि ए से बी की डिस्टेंस कितनी हुई है यानी बेस आपको निकालनी है तो यहाँ पर पेंडिकुलर दिया हुआ है एंगल दिया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री तो फार्मूला आपको पता है टेन थीटा इज इजकल टू क्या होता है टेन थीटा अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेन का हम फार्मूला आपको पता होना चाहिए टेन इजकल टू क्या होता है टेन टेन थीटा यहाँ पे टेन थीटा नहीं होगा यहाँ टेन थीटा की जगह पे बी एंगल होगा टेन थीटा इज इजकल टू होता है पी बाय ये पता है आपको परपेंडिकुलर बाय बेस तो p बाय बी मैंने लिखा और थीटा के जगह पे क्या है 60 डिग्री तो p कितना हो गया AC क्योंकि एंगल का सामने वाला अपोजिट वाला साइड क्या होता है परपेंडिकुलर होता है तो 20 बाय AB बी यहां से टेन सिक्स सिक्सटी इजकल टू रूट थ्री होता है तो टेन सात डिग्री इजकल टू रूट थ्री तो रूट थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी बाई ए बी यहाँ से ए बी यहाँ ले जाएंगे रूट थ्री यहाँ यानी ए बी इजकल टू ट्वेंटी बाय थ्री सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस ही ट्वेंटी बाय रूट थ्री आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं रूट थ्री रूट थ्री से मल्टीप्लाई करके ठीक है और ऊपर लिखेंगे ट्वेंटी रूट थ्री बाय थ्री भी आप लिख सकते हैं और आप ये यह यहाँ भी छोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बच्चे तो आपको ट्वेंटी बाय रूट थ्री मीटर आपका डिस्टेंस हो गया ए बी का नौ no. क्वेश्चन नंबर है है बच्चे 17 का रहा है कि टेन फोर्टी डिग्री और टेन फिफ्टी डिग्री का मल्टीप्लाई कीजिए इनका आंसर आपको फाइंड आउट करना है इनकी इनको सॉल्व करना है इनका आंसर क्या आएगा या नहीं तो इफ कॉस टू साइन फोर्टी टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ये दोनों क्वेश्चन है अथवा करके और करके दिया हुआ है या तो ये बनाइए या तो मैं दोनों बताऊंगा आपको कैसे बनानी है आपको देखो बच्चे आपको सबसे पहला काम क्या करना है टेन फर्स्ट पार्ट का 1040 into 1050 है तो 1040 को लिखूँगा 1090 minus 50 लिख सकता हूँ ना आर यू अंडरस्टैंड 90 minus 50 means 1040 तो 1040 डिग्री हो गया और यहाँ देखो 1050 का 1050 एज usual मैंने लिख दिया अब 1090 minus theta इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला ना 1090 minus theta इक्वल तू कॉट थीटा उसी तरह 1090 minus 50 डिग्री इक्वल तू कॉट 5

नो इट्स कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है और क्वाइन इज टॉस ट्वाइस एक क्वाइन को ट्वाइस किया टॉस किया गया और क्वाइन इज टॉस ट्वाइस बच्चे क्वाइन को उछाला गया है ठीक है और फाइंड द प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ द टाइम्स टू क्वाइंस है और टू क्वाइंस को एक साथ उछाला गया है ठीक है टॉस किया गया है तो टॉस किया गया तो बच्चे तो एक कॉइन मान लिया जाए एक कॉइन ये है और एक कॉइन आपका ये है टू क्वाइन है दोनों एक साथ आप उछालोगे तो हो सकता है कि इस कॉइन पे हेड आ जाए और इस कॉइन पे भी हेड आ जाए तो दोनों का हेड हेड आने का प्रोबेबिलिटी है या इस पे हेड आ जाए और इस पे टेल आ जाए ठीक है या इस दोनों पे टेल आ जाए और यानी तो यहाँ पर ये यह हो सकता है इस पे टेल आ जाए और इस पे हेड आ जाए तो टोटल तो तो जो आउटकम्स आएंगे फोर आउटकम्स होगा ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर फोर उटकम सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नंबर ऑफर फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल तो टोटल an uh, uh, आपको जो है यहाँ पर क्या पूछ रहा है फेवर, आपको क्या फेवर करना है गेटिंग हेड बोथ साइड यानी आपका रिजल्ट चाहिए कि दोनों साइड आपको हेड ही चाहिए ये आप चाहते हो आप, आप इनको फेवर कर रहे हो और टोटल आउटकम्स क्या है चार आउटकम्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड बोथ द दो टाइम्स दोनों टाइम्स हेड आ जाए तो बच्चे क्या होगा कि आपका यहाँ पे इसका तो हेड हेड आने का प्रोबेबिलिटी एक है और टोटल आउटकम्स फोर है तो वन बाय आपका फोर हो जाएगा तो यही आपका प्रॉबिलिटी हो जाएगा प्रॉबिलिटी की जो वैल्यू कभी भी आएगी आउटकम्स का वो जीरो से वन के बीच में ही आएगा रिजल्ट जीरो टू वन मैक्सिमम वन हो सकता है मिनिमम जीरो हो सकता है इनके बीच में आपका लाई करेगा और वन बाय फोर आपका जीरो पॉइंट टू फाइव है जो कि आपके इनके बीच में लाई कर रहा है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइन द हाइट ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस फाइव सेंटीमीटर एंड देन इज इतना एक कोन है बच्चे और इस कोन का आपको पता होना चाहिए कि एक एक उनके हाइट दिया हुआ है इस तरह से कोन है सपोज कीजिए ये ये आपका एक कोन है ठीक है ये आपका कोन है इसमें जो है सो आपका हाइट दिया हुआ है हाइट ऑफ अ कोन कितना 13 ये आपको दी हुई है 13 और आपका रेडियस दिया हुआ है ये बॉटम वाले 5 सेंटीमीटर दिया हुआ तो स्लेंट हाइट का मतलब ये वाला हाइट आपको फाइंड आउट करना है ठीक है बच्चे तो ये क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि स्लेंट हाइट ऑफ अ कोन निकालोगे ठीक है तो स्लेंट हाइट जो है आपको कोन निकालोगे तो कैसे निकालोगे हाइट ऑफ अ कोन 13 का स्क्वायर दिया हुआ है बच्चे, ये, 13 दिया हुआ, ये है आपका थर्टीन और आपका जो है रेडियस ये फाइव दिया हुआ है आपको ये निकाल ली है ये हाइट आपको इसको मान लो आप एच ठीक है ये हाइट निकाल ली है तो ये समझिए हाइपेन्यूज है और ये बेस हो गया तो हाइट uh, निकालने के लिए क्या होता है ये Uh, स्क्वायर स्लाइंट हाइट जो है उनका होल स्क्र माइनस फाइव स्क्वायर तभी तो ये हाइट होगा बाय यूजिंग पैथोगोरस थ्योरम ठीक है बच्चे तो थर्टीन का स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर का रूट अंडर थर्टीन का स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव रूट अंडर वन वन फोर फोर इज इक्वल टू ट्वेल्व यानी आपका जो हाइट ऑफ द कौन हो जाएगा वो ट्वेल्व मीटर का आ जाएगा इट्स कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी Find the value of x x so that minus 6, x, 8 are in A.P. बच्चे A.P. बच्चे पे progression जो arithmetic progression मतलब common difference क्या होता है Equal होता है तो यही कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स सो x comma eight आर इन एपी ये तीनों जो है आपका एपी में होगा तो एपी में होगा तो तो इन क्वेश्चन को बनाइए या नहीं तो आपको फाइंड द 11th टर्म ऑफ Of the AP, टर्म है। दो है में और करके दिया हुआ है। तो आप पहला सेकेंड टर्म, से, टर्म, टर्म, से, टर्म को अगर तो कर दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए तो यही मैंने किया माइनस सिक्स कोमा एक्स कोमा एट जो है एट माइनस एक्स ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस सिक्स क्योंकि सिक्स माइनस में है एक्स माइनस माइनस सिक्स इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा बच्चे एक्स क्यों लिख रहा हूं क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस देगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में तभी होता है ना जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चे एक्स जो है एक्स प्लस सिक्स यहां से एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू एट माइनस एक्स ठीक है अब मैं क्या करूंगा एक्स को इधर ले गया तो यहाँ पे क्या हो गया टू एक्स हो गया माइनस सिक्स इधर चला गया तो एट माइनस सिक्स प्लस एट और यहां से एक्स फाइंड आउट करूंगा एक्स इजल टू आपका वन तो ठीक है तो फर्स्ट वाले जो पार्ट है उनका एक्स इजकअल टू कितना होगा वन होगा तो ये सीरीज जो है आपकी बन जाएगी एपी में ठीक है 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 बच्चे no, इसका पार्ट और का जो देखिए ये क्या है? एक एपी में है तो इसका एनएथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है एन इज कल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये एनएथ टर्म का एक फॉर्मूला है ठीक है जनरल फॉर्मूला है उसमें फर्स्ट टर्म बच्चे क्या है फर्स्ट टर्म माइनस ट्वेंटी सेवन और लास्ट माइनस ट्वेंटी सेवन और एन इज टू कितना पूछ रहा है अलेवन देखो ग्यारहवा टर्म पूछ रहा है तो एन आपका अलेवन हो गया तो क्या होता है एन अलेवन माइनस वन और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपको लास्ट टर्म में से सेकेंड uh, टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा लो ठीक है कोई भी दो लगातार टर्म ले ले और उसमें सब ट्रैक्ट कीजिए तो जैसे मान लिया जब माने यहाँ से डी निकाल रहा हूँ मतलब डी स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस तो सेकेंड टर्म मान लो माइनटीन ट्वेंटी टू लिया इससे जस्ट प्रीवियस पहले वाला टर्म कौन सा है माइनस ट्वेंटी सेवन ठीक है तो माइनस और माइनस ट्वेंटी सेवन मैंने यहां पे क्या किया सब्रैक्ट कर दिया अब बच्चे क्या होगा आपका ये माइनस माइनस जो है ट्वेंटी टू ट्व हो गया माइनस ट्वेंटी टू अब प्लस कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन ओके अब ये क्या होगा ट्वेंटी सेवन में से ट्वेंटी टू घट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा योर कॉमन डिफरेंस फाइव ये कॉमन डिफरेंस आपका फाइव यहाँ पुट कर दिए और इसको सॉल्व करेंगे और आपका लास्ट अलेवन का जो टर्म होगा अलेवेंथ नंबर का टर्म होगा वो ट्वेंटी थ्री होगा इस एपी का ओके okay? तो नौ no, uh, क्वेश्चन uh, नंबर जो है अलेवन से लेकर के ट्वेंटी तक आपका फिनिश हो चुका है और हम इस इसको पार्ट पार्ट में करेंगे सॉल्व एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से एनालिसिस ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगी ठीक है क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी तो फिर पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लगेगा इसीलिए मैंने छोटे छोटे पार्ट करके बनाया हूँ तो ये पार्ट टू है बच्चे अब नेक्स्ट जो है आप पार्ट थ्री जो है मैं इसका सारा लिंक नीचे दे दूँगा और मतलब नेक्स्ट वीडियो में और उनसे एक एक लिंक को कनेक्ट करके आप पढ़ लीजिएगा ठीक है बच्चे तो आज के लिए हम ला, हमारे यहीं तक रखते हैं नेक्स्ट क्लास में सेक्शन बी से हमें स्टार्ट करेंगे टू मार्क्स के जो क्वेश्चन आते एग्जाम में इसको डिस्कस करेंगे तो थैंक यू